विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठवारी अपना पंचर का सब जनन का प्रणाम करी थे। विंध्य के यदि बात की जाए तो अब विंध्य अवैध कारोबारन के गढ़ बन चुका है और विंध्य के यदि देखा जाए तो आज कानून व्यवस्था लचर हो गई और जौने खीतिर अब जनप्रतिनिधि यह कह रहे हैं कि विंध्य में जंगल राज है। जी हाँ, ठीक सुने कि विंध्य में जंगल राज है, किंतु आज हम सीधी के बात कर लाए। सीधी मां जंगल राज है, जंगल राज काहे में विवश काहे है, काहे कि यहाँ आप कानून के खौफ खत्म हो गया है। कानून के खौफ ऐसे खत्म हो गया है कि अब पहले तो अपना सुन रहे हो कि महिला और मासूम बच्चिन के साथ चीरहरण होता है, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, किंतु सीधी मां अब नदी मां स्वरूपी नदी जीवनदायिनी नदी के अब चीरहरण हो रहा है, उनकर इज्जत लूटी जा रही है और रेत माफिया खुलेआम उ जीवनदायिनी नदी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालात यह हो गया है कि अपना यहाँ के जीवनदायिनी नदी मां खुलेआम पर्यावरण के नियमन के धज्जी उड़ावत देख सकी थे। हालात यह है कि खुलेआम मशीनन से रेत के उत्खनन हो रहा है और जौन प्रतिबंधित क्षेत्र है सोन घड़ियाल अभ्यारण ओहुमा खुलेआम बेखौफ रेत माफिया उत्खनन कर रहे हैं। कल्पना करी कि कौने कानून के संरक्षण में अपना जी रहे हैं, कौने कानून के दायरा में अपना जी रहे हैं। कहे कि यहाँ तक खुलेआम अब पत्रकारन का धमकी मिला थी, उनका मारे के बाद कही जाती, जनता का धमकी मिला थी, उनका मारे के बाद कही जाती। अब कल्पना करी कि यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं आई, अन्य लोग सुरक्षित नहीं आई, तो फिर काहे के कानून। तो कहो न कहो ये जंगल राज के बाद जो जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं तो लागत है कि सही आरोप है। कहे कि यदि अपना आज के क्रियाकलाप देख ले तो अभी दो दिन पहले मनोज शुक्ला जो रामपुर के न्यूज 24 के पत्रकार हैं उनके साथ एक तथाकथित पार्टी के नेता के द्वारा जो रेत माफिया में संलिप्त है, रेत के कारोबार में संलिप्त है, उनके द्वारा मारपीट की गए, जो उनके चलते आज पत्रकारन के द्वारा एडिशनल एसपी के यहाँ शिकायत की गए। साथ ही माँ वो पत्रकार के दर्द वहाँ बया की गा, साथ में पत्रकार का जान से मारे के धमकी और रिपोर्ट वापस लेके दबाव बनावे के बाद सामने आवल लाही। अपना कल्पना करी ना कि सीधी माँ का स्थिति है। सीधी माँ ना आज अधिकारी बोले का तैयार रही, ना अफसर बोले का तैयार रही कौनो मुद्दा माँ। तो अपना कल्पना कैली कि के डरमा यह पूरा काला कारोबार फल फूल रहा है और हालात यह है कि अब जंगल राज के परिकल्पना सीधी माँ प्रतिपूर्ति हो रही है और खुलेआम यहाँ अब कानून के भय खत्म हो चुका है। लगातार यहाँ अवैध तरीके से देखा जाए शराब की बिक्री होती, अवैध नशा के कारोबार की इंजात है, अवैध रेत के उत्खनन की इंजात है, खुलेआम जीवनदायिनी नदी के चीरहरण की इंजात है और रात दिन बराबर इनके इज्जत के साथ खिलवाड़ की इंजात है। अपना कल्पना करी कि यदि जंगल राज है ता है, कहे कि यदि जनप्रतिनिधि इतने जन से चुन के जाते हैं और यदि यह कह दे कि अब जंगल राज का अब अनुचित नहीं आए, कहे कि खुलेआम विंध्य मा अब जंगल राज हो गया है। हालांकि कुछ उ दूसरे पार्टी के द्वारा आरोप लगावा जाल लाग है जौने के बाद अब कहो न कहो अपना खुद कल्पना करी कि यहाँ सीधी मा ए समय खुलेआम कानून के धज्जी उड़ाई जा लाही और यदि पत्रकार सुरक्षित नहीं आए तो आम जन कहां से सुरक्षित होई, यदि नदी सुरक्षित नहीं आए तो आम जन कहां से सुरक्षित होई। ऐसे अब यह सवाल उठब लाजमी है कि सीधी मां जंगल राज, ऐसे आज यह पूरी खबर है। साथ में अपना हमारे पूरे विजुअल देखत हो जहां नदीन के कैसा सीना चीर के रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जौने मां जवाबदार विभाग जो है अपन जवाबदेही से भागत फिर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सुनी सबके बयान। रामचरण तिवारी हमको कहते हैं, कनवार गांव के हम हैं। गांव में हमारे अवैध उत्खनन रेत का होता है। यहां महामंत्री भाजपा के राम कुमार साहू भाजपा के और इनके टीआई साहब के मिली भगत और नायब तहसीलदार के मिली भगत से सजहा दिठौरा कन्हवार
और घुंघटा में अवैध उत्खनन किया जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि अवैध उत्खनन ना हो। ये पूरी रात साठ गांठ के 1500 इंची ली जाती है तहसीलदार की या TI की मिलाकर घड़ियाल की, उसके बाद भी गरीबों का ट्रैक्टर एकदम पकड़ा देते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही शासन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये उत्खनन को जल्द से जल्द रोका जाए। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत करने गई थी, अभी गया था वहाँ पर। 2 तारीख की घटना है, 2 तारीख तकरीबन 3 बजे मैं तहसीलदार साहब की बाइक लेके आ रहा था, तभी भाजपा नेता राम कुमार साहू वो अचानक आया, मेरे ऊपर सर के ऊपर लाठ से हमला कर दिया और वहाँ पर मैं बुरी तरह से गिर पड़ा। फिर गले में दबाया, वहाँ पर 2-3 लोग थे, काफ़ी लोगों ने उठाया, झुमा झपटी हुई। उसके बाद मैं किसी तरह बच के भागा और भागने के बाद पुलिस थाना गया। पुलिस थाने में मेरी शिकायत नहीं लिखी गई, 4 घंटे तक मैं बैठा रहा, 4 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन लगाया उसके बाद फिर मेरी रिपोर्ट लिखी गई और रिपोर्ट में भी नॉर्मल धारा लगा के छोड़ दी गई। इसकी शिकायत मैं करने आया था। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कम से कम एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, संविधान का 4th स्तंभ माना जाता है, कम से कम उसकी रक्षा हो सके, इतनी मदद की उम्मीद है पुलिस अधीक्षक महोदय से, बस यही चाहता हूँ। सीधी जिले में वर्तमान में बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, चाहे रेत माफिया हो, चाहे अपराधी हो, किसी प्रकार का अंकुश प्रशासन का नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिला पंचायत सदस्य उषा गोपाल पटेल ने माइनिंग ऑफिस कार्यालय में वो गई और वहाँ के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई करने की बात दूर उनके खिलाफ मुकदमा कायम करवा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की जिले की मंत्री और एक महिला नेत्री भी है। मैं उस प्रकरण की घोर निंदा करता हूँ और मैं मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करता हूँ कि जिस कर्मचारी अधिकारी ने उषा गोपाल पटेल के ऊपर मुकदमा कायम करवाया है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उस अधिकारी को दंडित किया जाए। भविष्य में ऐसा ना हो, सारे माफिया जो हैं बालू के उनको संरक्षण प्राप्त है, माइनिंग ऑफिसर ये रहमान कोई है उसका, चौरसिया जो इंस्पेक्टर है उसका, और जो भी बात इस इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके, चाहे पत्रकार की आप बात बता रहे हैं, मुझे जानकारी तो नहीं है कि किन पत्रकार महोदय के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन रामपुर नैकी क्षेत्र में करोड़ों की अवैध बालू प्रतिदिन निकाली जा रही है और पूरा जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। और यहाँ सीधी जिले में और जो भी खदानें हैं वहाँ मशीनों के माध्यम से, कुकलैन मशीनों के माध्यम से अवैध रेत खदन निरंतर चल रहा, लेकिन कहीं मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, कहीं प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, कहीं जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सबका संरक्षण प्राप्त है, सबका महीना बधा हुआ है और कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति यहाँ हो गई है और इसके लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। हमारे माननीय विधायक जी ने अभी कहा कि विधानसभा में आप सब लोग प्रश्न के माध्यम से इस बात को उठाएंगे और सीधी जिले की जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि जनता को खड़ा होना पड़ेगा, तब ये माफिया में अंकुश लगेगा और जो अमन पसंद नागरिक है उनकी आबरू सुरक्षित हो पाएगी। हमारा इस मामले में यही कहना। वास्तव में जब तक से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लेकर आज तक कांग्रेस की यह कानून व्यवस्था तो अस्त व्यस्त है। अब आवे वाले समय में 17 दिसंबर से विधानसभा है, उसमें हम लोग इस बात को सोचाएंगे। तो सत्य है, जंगल राज्य चल रहा है, वहाँ एकदम बालू माफिया चोरी कर रहे हैं और सब अधिकारी कर्मचारी झूले मिले हैं, इसलिए कानून व्यवस्था राम जन कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, बात सत्य है। ये रामपुर नैकिंग का भी है, एक और सराई में भी ऐसा पिछले समय सुनने में पत्रकार की हमले की निंदा करेंगे हम लोग, उसमें अभी जा रहे हैं विधानसभा, कार्रवाई होगी उसमें। इस पे ये मनोज कुमार शुक्ला जी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं जिनके ऊपर मारपीट की घटना प्रकाश में आई है जिस पर पुलिस के द्वारा FIR कर ली गई है। जैसा कि कहा जा रहा है कि इसे पुलिस के द्वारा संजीदगी से नहीं लिया गया है, तो इसमें इनका आपका मेडिकल भी हुआ, मेडिकल में आए जो तथ्य है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैडम जो जाँच कर लेते हैं और जाँच करने के पश्चात जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करते हैं।